सुबह से मैं यहाँ पे हूँ। इस बीच इन 3 दिनों में बहुत सारे कंप्लेनेंट से मिली। इन 105 दिनों में जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मैं कंप्लेंट के कारण ही आई हूँ। मेरे पास कंप्लेंट्स थी बहुत सारी इकट्ठी हो रही अलग अलग जगह से, जिसमें महिलाओं के प्रति वो आईसी ने जो बोला था कि मैं आपके घर जला दूंगा, और वो था ऑडियो क्लिपिंग थी। उसके बाद में इंडिविजुअल कंप्लेंट्स थी, उन सब के लिए मैं इंक्वायरी करने के लिए यहाँ आई थी। स्पेशली जेल में मैंने सुना था कुछ महिलाएं बंद हैं, उसको देखने आई थी। और जो मैंने सुना था या जो कंप्लेंट सुनी थी उनसे कहीं कहीं ज़्यादा यहाँ पर देखा। मुझे लगा नहीं कि मैं इंडिया के ही किसी पार्ट में हूँ, मुझे लगा नहीं कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया है, और मुझे लगा नहीं कि पुलिस लोगों की हेल्प के लिए होती है। यहाँ पर आके बिल्कुल एक बोला बोला कि पुलिस एक एजेंट की तरह काम कर रही है, एंड शी इज़ पुलिस इज़ गेटिंग पुलिस ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जैसे उनको कहीं से चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, रूलिंग हो, में से कहीं से ऑर्डर आ रहे हैं उनको, और वो उन्हीं के बिहेस्ट पे काम कर रही हैं। ये बुरा लगता है देख के कि उन्होंने ओथ ली। कल मैंने एसपी से भी पूछा था कि जब आपने जॉब ज्वाइन किया था तो आपने क्या ओथ ली थी, तो उसने बोला मैंने ओथ ली थी कि हेल्प करने के लिए। तो मैंने कहा क्या हेल्प कर रहे हो, इतनी औरतें जो मेरे पास आ रही हैं, तो क्या आप ये हेल्प है आपकी। उसके पास कई चीज़ों के जवाब नहीं थे। वैसे ही डीएम पहले उसने आने से मना कर दिया, और जब मैंने ट्वीट किया और उस ट्वीट को मेरे ख्याल आपके सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा घुमाया गया, तो वो 5:30 बजे मुझसे आके मिली। और उनके पास भी बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं थी। वो कोशिश ज़रूर कर रही थी सब जवाब देने के, लेकिन उनके पास जवाब नहीं थे, और जो जवाब दे रही थी मैं सेटिस्फेक्शन भी नहीं था मुझे उनसे। यहाँ पे इतनी सारी औरतें जिनके छोटे बच्चे थे उनको जेल में रखा गया, छोटे बच्चे को भी उसके साथ जेल में रखा गया, मदर्स जो एजेड हैं उनके बेटे की डेथ हो गई, अब कोई देखने वाला नहीं है उसके बच्चे को, ऐसे लोग मिले मुझे। औरतें जिनको पिटाई हुई, जो जिनको चोटें लगी, उनको कोई देखने वाला नहीं हॉस्पिटल में, वो गैस अटैक में, जो टीयर गैस अटैक में उनकी आंखें चली गई, कोई उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिली, वो बाहर घूमती रही, उन्होंने पैसे भी खर्चे लेकिन उनकी आंखें ठीक नहीं हुई, ऐसा बहुत सारा कुछ देखने में। आज कैलिम्पोंग में आई हूँ तो सुबह से मुझे कितनी कंप्लेनेंट्स, जिनके मेल घर के जो मेंबर्स हैं उनका पता नहीं कहाँ जंगलों में घूम रहे हैं। मेरे पास काउंटिंग नहीं है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक जंगल में और घर नहीं आ पा रहे क्योंकि पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी। मैंने जेल में जाके देखा, एक एक आदमी के ऊपर 47 केसेस, 27 केसेस, इतने केसेस हैं जो पॉलिटिकली बंद हैं कि वो मेरे ख्याल ज़िंदगी भर वो केसेस निपटाता रहेगा। और ऐसे ऐसे एक महिला पे, वो जो मैं बता रही हूँ एक छोटी बच्चे के साथ वो जो जेल में रही, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के अंदर उसको बंद किया हुआ था। अगर आप उस लड़की लेडी को देखोगे तो आप कभी सोच नहीं सकोगे कि वो आर्म रख सकती है अपने, उसको खुद का पता नहीं है कि उसने नेक्स्ट खाना कहाँ से खाना है, वो आर्म कहाँ से रखेगी। बहुत एट्रोसिटीज़ हुई हैं पुलिस की। मैं ये सारी कंप्लेंट्स लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को तो दूंगी ही, मैं आई गिव दीज कंप्लेंट्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर कुछ करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के तो ये हैं ही लोग। वैसे मैं चाहूँगी और मैं अपील करूँगी, क्योंकि सीएम खुद एक महिला है, और अगर वो आकर इन्हीं कंप्लेनेंट से मिले तो शायद उनका भी दिल बिगड़ जाए, और वो सुनेंगी और जब उनकी कहानियाँ, तो वो मुझे नहीं लगता कि सेंटर को भी कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो खुद करना चाहेंगी। उन तक ये बातें पहुँची हैं या नहीं, अगर मेरे थ्रू और आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू पहुँचे, तो मैं चाहूँगी उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, शी शुड कम हियर और देखें वो एक बार अपने आप आके, क्योंकि ये अगर वो कहती हैं ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, तो वेस्ट बंगाल के पार्ट को इस तरह से काट के नहीं रख देना चाहिए। कुछ उन्हीं के लोग हैं, उनकी बात आके सुनेंगी तो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों के थ्रू मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी स्टेट गवर्नमेंट को। बाकी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू। मैम, होम डिपार्टमेंट ममता बनर्जी जो सीएम है उसी के पास है, और पुलिस को डायरेक्शन मिलती है होम डिपार्टमेंट से, क्या आपको लगता है कि वहीं से
पुलिस का ये हरकत करने के लिए डायरेक्शन मिलता है? मुझे मैं इतना डायरेक्ट कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन पुलिस अगर वो खुद के बिहास पे कर रहा है तो उनके अगेंस्ट अभी तक इंक्वायरी हो जाना चाहिए था। अगर वो एक आईसी गालियां निकाल रहा था और महिलाओं को ये कह रहा था कि मैं तुम्हें रेप कर दूंगा अगर ये कंप्लेन, और वो कंप्लेन वापस भी ले ली गई उसी डर से। वो मेरे पास जब कंप्लेन आई थी तो उन्हीं की थी, महिलाओं की ही थी जिन्होंने कंप्लेन वापस ले ली, तो उस डर से उन्होंने वो कंप्लेन भी वापस ले ली। अगर वो पुलिस अपने आप कर रही है तो ममता जी को चाहिए कि वो उनके अगेंस्ट कार्रवाई करे, और अगर वो कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो अंडरस्टूड है कि क्या है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। पर लोगों कह रहे हैं कि 105 दिन का जो पहाड़ में बंद हुआ उस वक्त कोई ह्यूमन कमीशन या महिला आयोग की कोई नहीं आई। मुझे तो आज भी इस बार भी आने नहीं दिया जा रहा था, तो आप लोग सोच सकते हैं कि मुझे उस टाइम एंटर करने दिया जा सकता था। मुझे अभी भी मना कर दिया गया था कि आपको कुछ वहाँ पे हेल्प नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं तो सब इलेक्शन में ड्यूटी में है। जब हमने पता लगाया, सेंटर से भी पता लगाया, तो वो इलेक्शन अभी नहीं हो रहे थे, वो एक्सटेंड हो गई उसकी डेट। और उसके बाद मुझे एक चिट्ठी लिखनी पड़ी कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, ये मैंने चीफ सेक्रेटरी और डीजी को भी लिखी थी। उसके बाद में मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, नहीं तो उससे पहले मुझे ये कह दिया गया था कि कुछ सिक्योरिटी नहीं। और मेरे पास अभी भी एक कोई स्पेशल ऑफिसर नहीं है यहाँ पर मेरे, मतलब कल डीएम ने आने से मना कर दिया, आज एसपी आने से भी, यहाँ का भी आने से मना कर रहा था। कल एसपी वहाँ पे छुट्टी था, आईजी छुट्टी पे था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा लगता है छुट्टी पे चला गया मेरे आने से पहले। मतलब यहाँ जो काम चल रहा है गवर्नमेंट के इशारे पर पूरा प्री प्लान चल रहा है। मैं इतने सारे वर्ड्स मुझे मत कहलवाइए, ये समझदार को इशारा ही काफी होता है। आशा है कि उनको पता है कि अब कोई सेंटर से आ सकता है, एक बार आया दोबारा भी आ सकता है, तो मुझे आशा है कि वो दोबारा नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन ऐसा पता चला है कि लोगों के घरों में पुलिस बैठी है अभी तक, मदर्स बाहर हैं, ओल्ड एज पर्संस बाहर हैं घर से और पुलिस उनके घरों में बैठी है। मतलब ऐसी एट्रोसिटीज मैंने नहीं सुनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया में। एमरजेंसी भी देखी, हम बच्चे थे, हमने कहानियां सुनी है एमरजेंसी की, बट इतना बुरा हाल एमरजेंसी में भी नहीं था शायद। मैडम जब स्टेट में ये हुआ तो स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट पड़ता है, तो महिला आयोग इसमें स्टेट कैसे ले सकते हैं? महिला आयोग स्टेट को ही आना चाहिए था पहले, स्टेट में भी है एक महिला आयोग, पता नहीं मुझे आई है या नहीं आई है, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन उनको ही पहले आना चाहिए, क्योंकि कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है। जब एक बार हम कमीशन में आ जाते हैं तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होते हैं। मैंने आज और कल सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सुना, सब तरह के लोग आए, कुछ ये कहने भी आए कि आप क्यों आए, और कुछ ये कहने आए कि आप आए तो अच्छा लगा, कोई तो आया हमारी सुनने, तो सबको सुना मैंने, और मैंने रिएक्ट नहीं किया। जिसने जो कहा वो अपने मन की कम से कम भड़ास निकाली उन्होंने अपने। राज्य महिला जिसने भड़ास निकाला तो महिला आयोग क्या रेस्पॉन्स करेगी? मैं जो जो कंप्लेंट्स लेके जा रही हूँ, जिस जिस के अगर वो पुलिस की है तो होम मिनिस्ट्री में मैं दूंगी, दे शुड टेक इट फॉरवर्ड, क्योंकि हमारी एडवाइजरी बॉडी है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ चेंजेस, मैं लॉज बना सकूँ, मैं लॉ बनाने के लिए एडवाइस दे सकती हूँ, मैं होम मिनिस्ट्री में एडवाइस दे सकती हूँ, मैं प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती हूँ, तो आई विल डू माय ड्यूटी। राज्य महिला आयोग का यहाँ नहीं आया तो... राज्य महिला आयोग कहीं नहीं आता है जी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में इतनी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पूरे देश की कमीशन आती हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो सब आती हैं, और जब से मैंने ज्वाइन किया एक मुट्ठी की तरह हम काम कर रहे हैं सारी स्टेट कमीशन। आप किसी भी स्टेट कमीशन चेयरपर्सन अदर देन वेस्ट बंगाल आप पूछिए, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की हूँ या वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की, हम सब एक तरह। लेकिन वेस्ट बंगाल कमीशन कभी किसी मीटिंग में नहीं आया, कभी हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, कभी कोई हम फॉरवर्ड करते हैं तो भी जवाब नहीं आता उनका, तो मुझे पता नहीं यहाँ पे कमीशन है या नहीं। ह्यूमन राइट कमीशन आ रहा है, उन्होंने लिखा है एंड ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो उनको तो ये भी नहीं पता आ कौन रहा है, उनको किसी ने पकड़ा के बना के पकड़ा दिया कि आप पकड़ के खड़े हो जाओ, तो वो खड़ी हैं। आए मेरे को उनसे कोई भी वो नहीं है, वो महिलाएं भी खुद भी प्रॉब्लम में थी, उनके ऊपर भी केसेस थे, उनको भी ज़ोर ज़बरदस्ती की गई और उनकी पार्टी चेंज करी गई कुछ दिन पहले। मेरे पास दार्जिलिंग में एक लेडी आई जो ये कहने कि आप क्यों आए और 105 दिन पहले नहीं, लेकिन वो खुद रोने वाली थी और वो मुझे कहती अगर मैं आपसे अलग से बात कर सकूं तो मैं कुछ बताऊं, वो अलग से बात नहीं कर पाई, और वही लेडी बाहर खड़े होके होर्डिंग में
मैंने तो देखा नहीं, ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, वो कौन से कोने में खड़ा किया हुआ था उनको मुझे नहीं पता, आज भी मैंने नहीं देखा। और उनको जो बना के खड़ा कर दिया, वेयर के स्पेलिंग वर थे, WERE अगर आप देखें आज भी, और वहाँ पर भी ह्यूमन राइट कमीशन लिखा हुआ था और यहाँ पर भी ह्यूमन, तो उन लोगों को तो पता ही नहीं है, दे आर बीइंग यूज्ड बाय अदर्स। आपको यहाँ से जितने भी शिकायतें मिले, जितने भी गुनाह मिले, उन लोगों को आप क्या एश्योर करना चाहेंगे कि महिला आयोग उन लोगों को कैसे न्याय दिलाए? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि स्टेट से ही बात करूँ और हो जाए, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है, किसी भी राज्य में अगर ऐसा कुछ हो तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो फिर मैं होम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ये सारी शिकायतें जाके दूंगी। जहाँ तक मैंने छोटी छोटी चीज़ें थी वहाँ पर ही मैं देख सकती थी, किसी को मेडिकल की ज़रूरत थी तो CMO को बुला के मैंने उसी टाइम बोला कि ये लोग आएंगे आपके पास, और आज वो गए भी और उनको देख भी लिया गया। और किसी को जॉब की ज़रूरत थी तो मैंने उसकी जॉब की कोशिश करी, जिसको छोटी छोटी ज़रूरतें जो मैं वहीं पर पूरी कर सकती थी मैंने पूरी कोशिश करी कि हो जाए। मैंने तो अभी बोला कि जो इतना सब कुछ मैं कहानियाँ सुन रही हूँ, मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। Let me go through this, all these complaints and talk to the people there in center. Accordingly, I'll make my program. जितने सारे complaints आए हैं